अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारी इंग्लिश ए की वर्किंग है उसमें हमने पेज नंबर 49 और 50 की वर्किंग करी है। पेज नंबर 49 पे उन्होंने कहा है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स। यहाँ पर उन्होंने एडवर्ब दिए हुए, उसके हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री राइट करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो है एल वाई, तो उसके लिहाज से जब हम उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसके कंपैरेटिव में हम लोग उसके साथ मोर राइट कर देंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट। जैसे यहाँ पर है हैवीली, तो इसका कंपैरेटिव होगा मोर हैवीली और सुपरलेटिव मोस्ट हैवीली। स्विफ्टली मोर स्विफ्टली मोस्ट स्विफ्टली, नीटली मोर नीटली मोस्ट नीटली। ठीक है, इसी तरह ये बाकी आपने सॉल्व करना है। और नेक्स्ट जो है वो है एडवर्ब्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब यहाँ पर उन हमारे पास जो सिलेबल है उसमें एल वाई का जिक्र नहीं है, तो इसमें हमने कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देना है। ठीक है, जैसे हाई हायर हाईएस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। अब नीचे है थर्ड पार्ट में कि इसमें हमारे पास जो है एक वर्ड जो है एल वाई वाला है, बाकी सिंपल है। अब बाकियों में हमने उसी तरह ही कंपैरेटिव में जैसे उसके लास्ट पे ई आर और नेक्स्ट पे ई एस टी। अब वह वेल, अब इसकी डिग्रीज जो है वो यहाँ पर चेंज डिग, वेल बेटर बेस्ट। अब बैडली या बैडली का हमने पीछे पढ़ा था बैडली वर्स एंड वर्स, लेकिन हम लोग इसको मोर बैडली और मोस्ट बैडली भी कर सकते हैं। उसके बाद फार फार्दर एंड फार्देस्ट। ठीक है, लास्ट है हमारे पास चेंज द एड्रेड एडवर्ब्स इनटू सुपरलेटिव टू द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर उन्होंने हमें जो है वो कंपैरेटिव में दी हुई है, तो हमने इसको सुपरलेटिव में जब करेंगे तो ये है तारिक राइट्स बेटर ऑफ ऑल, तो हम इधर जब सुपरलेटिव में चला जाएगा तो इसके बाद आ जाएगा बेस्ट। यहाँ पर है जमील रन फास्टर ऑफ ऑल इन द रेस, तो यहाँ पर फास्टर की जगह आ जाएगा फास्टेस्ट। नेक्स्ट में वर्स की जगह वर्स्ट। अब यहाँ पर है मोर पावरफुली, तो मोर की जगह आ जाएगा मोस्ट। और नेक्स्ट में भी ऐसे ही।